हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं हूँ आपका फ्रेंड अभिषेक और मैंने लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है गांव में। तो आज का ब्लॉग कैसा है मुझे भी अभी तक पता नहीं है गाइस। तो आज ना हमारे गाँव में कौरात्रा है। कौरात्रा मतलब जब नौरते होते हैं तो नौरते अगर 9 दिन का होता है तो आठवें दिन की रात, तो ऐसे ही मतलब 7 दिन का था, 6ठे दिन की रात को मतलब बहुत भयंकर नाचते हैं। मतलब पहले वाले ब्लॉग में देखा तो उतना भयंकर नहीं नाच रहे थे, लेकिन आज उससे भी भयंकर नाचेंगे। जो महाबुद्ध की डोली है उसको भी नचाएंगे, उसको भी झुमाएंगे। तो वो ना आज पूरे गांव के बाहर घूमने वाली है महाभक्ति की डोली, बोलते हैं ना घाट। तो आज घाट बांधेंगे, वो घाट यानी बहुत लंबी सी सूत रहती है उससे गांव के बाहर, ठीक है। तो आज काफ़ी अच्छा होने वाला है ब्लॉग। एंड गांव में शादियाँ भी है, तो गांव में ना बहुत सारा कार्यक्रम है। तो शादी भी है, आज भी है शादी, फिर कल भी है शादी, और कल मैं दी थी आपने देखी ली, और नौरते हैं कल, नौरते ख़त्म हो जाएंगे। तो एक से कार्यक्रम है गांव में, बोला शादियाँ इस बार इतनी सारी है कि क्या बोले, बहुत सारी शादियाँ हैं गांव में इस बार। तो करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। और आज का मौसम काफ़ी सुहाना है गाइस, तो मैं भी आपको आज का मौसम दिखाता हूँ। देखो गाइस, आज का जो मौसम है ना काफ़ी सुहाना है। देखो यहाँ पे एक भी बादल मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे एक भी बादल, देखो यहाँ पे कहीं पे एक भी बादल नहीं आ रहे। देखो कहीं भी देख लो आप। तो अभी गाइस नहा धो लेते हैं थोड़ा सा, और फिर करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। तो गाइस मैं फाइनली नहा धो गया हूँ, और अभी कपड़े मैंने लगभग वही पहने हैं क्योंकि कल पहने थे मैंने। तो बाकी मैं गांव में चलता हूँ। और आज देखो मेरे हमारे एक बड़े भैया हैं, उन्होंने मैं चश्मा दे दिया यहाँ पे कि आपने चश्मा पहन के ब्लॉग शूट किया करो। तो देखते हैं कैसे लग रहा हूँ चश्मे पे, आप ज़रूर बताना। देखो ऐसे में लग रहा हूँ गजब कि ऐसे में, आप ज़रूर बताना कमेंट करके चश्मा में कैसे लग रहा हूँ। तो मैं चश्मे में हमेशा ब्लॉग शूट करूँगा। तो गाइज आज हम गांव में जाएंगे इसके बाद, और वहाँ पे कुछ काम भी है कि, तो देखते हैं क्या काम है। एंड मुझे फोर्स दिया जा रहा है कि मतलब बराती चलो, बराती चलो, बराती चलो, लेकिन पापा का डिसीजन क्या है फाइनली मुझे भी पता नहीं है। तो पापा क्या बोलते हैं फिर जाएंगे, वरना मतलब गांव में नवरात्रे भी तो चल ही रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हाथ उत बढ़ा लेंगे, काम करना चाहिए। तो हमें हमेशा मतलब गाँव में जो भी कार्यक्रम होता है हमें हमेशा तत्पर रहना है वहाँ पर, मतलब कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहना है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि गांव का जो कार्य होता है सार्वजनिक होता है, सभी का होता है, इसलिए कभी पीछे पीछे नहीं हटे कि नहीं भाई ये करेगा ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो बाकी चलते हैं गांव में, और कुछ समय बाद ही बारात जाएगी पहेटा। तो पहेटा गांव है, वहां पर बारात जाएगी। तो मेरा भी पता नहीं पूरा, मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। अगर जाऊँगा तो मैं आपको लग जाएगा पता, नहीं जाऊँगा तो गाँव में ही आज ब्लॉक रहेगा। तो चलते हैं गाँव में, मज़ा आएगा। तो गाइस अभी आज गांव में और देखो यहाँ पे भी माँ भगवती की पूजा लग रही है। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि अभी और क्या हो रहा है इधर। तो बने रहिए ब्लॉगिंग में। तो गाइस यहाँ पे अभी पूजा लग रही है जैसे कि मैंने आपको बताया था। Thank you.
दोस्तों आपने देखा कि मैं यार खो नवरात्रे में और गांव में शादियां भी चल रही है, तो अभी थोड़ी देर पहले बारात गई यहां से, तो लड़का की शादी है। बाकी अभी हम अभी नवरात्रे में बिजी है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपको उसे नाइट का दिखाऊंगा, वहां पे आज नाइट को बहुत ही कुछ धमाल होने वाला है। पाँच पांडव का नृत्य, काफ़ी कुछ होगा, दिखाऊंगा मैं आपको। और ये हमारे सब्सक्राइबर दिव्यांश गुसाई। तो गाइस आपको सीधे मिलते हैं शाम के टाइम और दिखाते हैं आपको वहाँ का काफ़ी अच्छा प्रोग्राम, पांडव नृत्य जागर जैसे कि। तो गाइस यहाँ पे कुछ समय बाद ये हमारे अपना परकोट ब्लॉगर, हेलो वे तो नहीं। तो गाइस यहाँ पे कुछ समय बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आज मतलब सॉन्ग सब बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लार के पूरी सुविधा तैयार करेंगे सबको, और मात्रा मुद्रा भी बनेंगे, मजा आएगा, दिखाएंगे आपको जरूर, मजा आने वाला है गाइस। तो करते हैं और दिखाते हैं आज इधर बाहर में आग सेक रहे हैं, मतलब सभी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, और बाकी कार्यक्रम भी दिखाऊंगा मैं आपको आगे। तो गाइस ये है अग्नि माता, तो अग्नि माता से इस संसार में कोई नहीं बच पाया। और देखो यहाँ पे सभी लोगों के जो सदस्य हैं अभी अग्नि माता के पास आ रखे हैं और आग सेक रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम भी है। तो देखो यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पे कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। हे धरी की देवी माँ भगवती तू देनी भेजे, मेरी हे धारी की देवी माँ भगवती तू देनी भेजे, देनी भेजे, देनी भेजे, देनी भेजे, तिरुकल्या सोड़ स्थान माँ भगवती तू देनी भेजे। जैसे कि आपको पता है कि अभिषेक भाई ने आपको बताया होगा कि हमारे गांव में नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि तो बहुत धूमधाम से चल रहे हैं गाइस। तो आप देखिए उसकी एक झलक, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक आप दृश्य का आनंद लें। तो गाइस ये आ गए हैं मात्रिया, जिन्हें मात्रिया बोलते हैं कि मात्रिया लग गई है, मात्रिया पर तो यही है मात्रिया। तो अभी देखो कितना मजा आता है, किसी तौर पर देखता भी डर से देखते हैं हमारे ना, और उसके बाद स्वांग देंगे तो भी तैयार हो गए मैं आपको देखता हूँ जो भी, इससे पहले आप इसका आनंद लें। मंच बज गए तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वांग अभी तैयार हो रहे हैं, तो ये भी जाएंगे वहाँ पे, तो ये नाचेंगे वहाँ पे देर तक साथ,
तो देवता को अगर गुस्सा आता है देवता इन्हें मारते भी हैं, तो इन्हें बचना होता है। तो देख लेना आप, काफी मजा आएगा। फाइनली आ चुका हूँ घर पे वापस। तो आज गांव में बहुत ही खतरनाक सीन हुआ गाइस, देखा आपने आज के ब्लॉग के माध्यम से। तो पहले तो गांव में शादी भी है और नौरते भी हैं, तो मतलब पहले बारात गई उधर, उसके बाद आई इधर, ठीक है। बाकी उसके बाद जो भाई जागर हुआ, मतलब पांडव नृत्य हुआ, बहुत ही तगड़ा हुआ, तो आपने देख लिया होगा ब्लॉग के माध्यम से, काफ़ी तगड़ा हुआ गाइस। तो उसके बाद मैं आपको बता नहीं पाया वीडियो के माध्यम से, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं बता पाया मैं, नहीं बना पाया मैं वीडियोस, क्योंकि थोड़ा कहीं जल्दी में था, इसलिए आई एम सो सॉरी। तो मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद हुआ था
जैसे वहाँ पे मतलब पांडव नृत्य हुआ थोड़ी देर, बहुत ही तगड़ा हिसाब से। तो उसके बाद गए वहाँ से, मतलब गांव से, गांव ना गांव में स्थित है हल्का से, उस इस जहाँ पे मतलब जागर नौरते हो रहे हैं उससे थोड़ा दूरी के स्थान पे है गांव ही में गढ़, वहाँ का नाम है गढ़। तो गाइज वहाँ पे उसके बाद पालगी गई, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब हवन हुवन हुआ, मैं बता नहीं पाया इसलिए माफ़ी चाहूँगा। एंड उसके बाद वहाँ से देवता की जो डोली है वो पूरे गांव के बाहर घूमी, हमारे घर के बगल से भी गई नीचे, क्योंकि हमारे घर सबसे साइड में है ना इसलिए, तो हमारे घर के बगल से गई, पूरे गांव के बाहर घूम के आई। तो ऐसे इस प्रकार से मतलब घूमती है जब नौरते होते हैं, तो इसी प्रकार से होता है कार्यक्रम हमेशा हर साल। तो बाकी गाइज आज के लिए बस इतना ही, और टाइम हो गया बहुत ही ज़्यादा ओवर गाइज, 2:30 बज चुके हैं रात के 2:30, तो आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन 2:30 बज चुके हैं। तो गाइज थोड़ा ठंड के कारण खांसी जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड इसके बाद जो ब्लॉग होने वाला है वो और भी खतरनाक होने वाला है, बहुत तगड़ा होने वाला है इसके बाद, और ब्लॉग इसके बाद ब्लॉग का और भी तगड़ा होगा। तो प्लीज़ वाला ब्लॉग भी आप देखना एंड ये ब्लॉग भी आप देखना, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, जो भी गलती होती है थोड़ा सा कमेंट भी किया करो आप, जिससे कि मतलब पता लगे कि हमारे ऑडियंस क्या चाह रहे हैं, हमारे फैमिली सब्सक्राइबर्स क्या कमी बता रहे हैं हमें, तो हम पूर्ण कर सकें, तो आप जरूर करना। तो बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले, थैंक यू सो मच, बाय।